इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी जब हल्का सा मेल्ट हो जाए तब हम डालेंगे 1 मुट्ठी बादाम। बादाम को 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद आप देख सकते हैं ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं 1 मुट्ठी काजू। लो फ्लेम के ऊपर काजू जब लाइट गोल्डन ब्राउन भून जाए, आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से भून चुका है, तब हम इसे निकालकर एक प्लेट में डाल देंगे। अब हम इसी बचे हुए घी के अंदर डालेंगे 2 मुट्ठी मखाना। हम मखाने को बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भुनने के बाद आप देख सकते हैं मखाना बहुत अच्छी तरीके से क्रंची फ्राई हो गया हुआ है। इसे तोड़ने पर आसानी से टूट जा रहा है। तब हम इसे चूल्हा से नीचे उतार देंगे और चूल्हा के ऊपर चढ़ा देंगे दूध। ये गाय का दूध का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक दूध हल्का गर्म हो रहा है तब तक हम एक केला को छील लेते हैं। केला को छीलने के बाद हम एक बड़े से बाउल के अंदर इसे इस तरीके से मैश करते हुए डालेंगे। मैंने केला को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं हल्का गर्म किया हुआ दूध। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म दूध को नहीं करना है, हल्का गर्म दूध ही करके तैयार करना है। दूध और केला को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम एक केला और छीलेंगे। केला को छीलने के बाद हम एक नाइफ़ की सहायता से इसे पतला पतला इस तरीके से स्लाइस करके तैयार कर लेंगे और इसे दूध में ही डालते जाएंगे। केला को कट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट किया हुआ मखाना, साथ में रोस्ट किया हुआ काजू और बादाम डालेंगे। आप चाहें तो इसमें गुड़ या फिर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें गुड़ या मिश्री किसी तरह का मिठास मैं नहीं डाल रही हूँ, नेचुरल मीठा ही रहेगा ये। इसे एक बार अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से गाढ़ा पतला जैसा भी आपको पसंद हो उस हिसाब से बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाया है ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाया है। इससे इस तरीके से उठा के खाने में बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। जो एक बार इसे आप सुबह में नाश्ते के समय खा लेंगे तो पूरे दिन आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, वीकनेस नहीं होगा। तो प्लीज़ एक बार इसे मेरी तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए इसके ऊपर से हम थोड़ा सा और डाल देते हैं काजू और बादाम और इसे सर्व कर देते हैं। काजू बादाम से गार्निश करने के बाद अब ये सोमवार स्पेशल हेल्दी नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको इस नाश्ते को क्रंची खाना हो तो आप इसे मिक्स करने के बाद तुरंत सर्व कर दें। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची लगता है। अगर आपको सॉफ्ट खाना नरम खाना पसंद हो तो आप इसे मिक्स करने के बाद आधे घंटे तक रेस्ट करने दें, उसके बाद इसे सर्व करिए। आधे घंटे के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाता है, फिर इसे सर्व करें। तो आपको जिस तरीके से भी खाना पसंद हो, क्रंची सॉफ्ट, उस तरीके से बनाएं और खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल 5 मिनट में बनकर तैयार होने वाली ये हेल्दी नाश्ता की रेसिपी कैसी लगी। काजू बादाम से गार्निश करने के बाद अब ये सोमवार स्पेशल हेल्दी नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको क्रंची खाना पसंद हो तो आप इस नाश्ते को मिक्स करने के बाद तुरंत सर्व कर दें। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची लगता है। अगर आपको सॉफ्ट खाना नरम खाना पसंद हो तो आप इसे मिक्स करने के बाद आधे घंटे तक रेस्ट करने दें। ये आधे घंटे में बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद इसे सर्व करें। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। 5 मिनट में बनकर तैयार होने वाली हेल्दी नाश्ता की रेसिपी है, प्लीज़ इसे एक बार बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये नाश्ता की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये नाश्ता की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।